ये 10वां चैप्टर है जिसमें हम देखते हैं ट्राइब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। तो श्रद्धांजलि के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर हम देखें सबसे पहले क्या है, एज आई रीच्ड माई डेस्क इन माई ऑफिस, यानी जो ही मैं अपने कार्यालय की मेज पर पहुंचा, माई आईज स्टॉप्ड ओवर ए लेटर, मेरी आंखें हैं एक पत्र पर रुक जाती हैं। इट कंटेंड दैट फैमिलियर पीटाइट हेड राइटिंग ऑफ माई एल्डर ब्रदर। तो ये भरी हुई थी, इट कंटेंड दैट फैमिलियर, यह क्या थी, यह मेरे बड़े भाई की परिचित छोटी छोटी लिखावट थी। पीटाइट मतलब हम कह सकते हैं छोटी छोटी जो है, पैटेड बोल सकते हैं, पीटाइट बोल सकते हैं, छोटी छोटी हेड राइटिंग है जो उसके भाई की थी। तो उस बड़े भाई की यहाँ पर हेड राइटिंग थी। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटर्न टू मी, बहुत समय पहले या लंबे अरसे के बाद में उसने मुझे पत्र लिखा था। आई श्रैंक विथ फॉर नॉट राइटिंग लेटर होम ऑल दीज डेज। आई श्रैंक विदन फॉर नॉट राइटिंग लेटर होम ऑल दीज डेज, इन दिनों में मैं घर पर पत्र नहीं लिखता था, इससे मुझे क्या हो गई, शर्म से महसूस हुई, यानी कि मैं शर्म से कट गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने लंबे अरसे के बाद मुझे जो पत्र लिखा था, मैं शर्म से गड़ गया, क्योंकि इतने दिनों से मैंने घर पर कोई पत्र नहीं लिखा था जबकि मेरे भाई ने पत्र लिखा था। नेक्स्ट हम देखें, इन माई स्टूडेंट डेज, यानी मेरे विद्यार्थी जीवन के समय की बात है। इट वॉज ऑलमोस्ट ए रोटन अफेयर, यानी यह मेरा रोज का काम था, डेली का काम था। आई यूज टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज ऑन ए रिस्केटी बस। रिस्केटी बस का मतलब क्या है यहाँ पर, रिकेटी बस एक जर्जर एक खटारा बस है, उसके लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है रिकेटी बस। यानी आई यूज टू गो होम, मैं घर जाने के लिए इसका इस्तेमाल करता था, टू दैट डिस्टेंट विलेज, उस गांव में जाने के लिए, जो मेरा गांव था उस गांव में जाने के लिए मैं क्या करता था, एक खटारा बस्से में जाया करता था, ऑन दी रिकेटी बस, तो ये खटारा बस्से में जाया करता था। एंड केयरिंग नथिंग फॉर दी स्ट्रेन ऑफ दी जर्नी, यानी यात्रा की मैं परवाह नहीं करता था। केयरिंग नथिंग फॉर दी स्ट्रेन ऑफ जर्नी, स्ट्रेन ऑफ जर्नी, स्ट्रेन ऑफ जर्नी मतलब यहाँ पर है यात्रा के अंदर जो तनाव था उसकी परवाह किए बिना मैं जो दूसरा गांव था या जो सुदूर गांव था मेरा, वहां पर खटारा बस से जाया करता था। माई होम माई विलेज, मेरा घर मेरा गांव, दे यूज टू पुल मी अवे फ्रॉम दी मोरीबंड सिटी लाइफ, यानी मेरा गांव मेरा घर ये सभी मुझे क्या करते, आकर्षित किया करते थे। लेकिन हम बात करें यहाँ पर मोरीबंड सिटी लाइफ, मोरीबंड सिटी लाइफ का मतलब क्या है यहाँ पर, मोरीबंड सिटी लाइफ का मतलब है कि एक तरीके से मृत प्राय जो शहरी जीवन है, एक तरीके से क्या है, शहरी मृत प्राय जीवन से दूर मेरा घर मेरा गांव ये सभी मुझे आकर्षित करते थे। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, अब चीजें बदल गई थी, एंड आई टू हैव चेंज्ड, और मैं भी यहाँ पर क्या हो गया था, बदल गया था। ए ग्रेट डील एट दैट, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, एक ग्रेट डील हुई थी, ग्रेट डील मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थितियाँ बदल गई थी। ए ग्रेट डील एट दैट, ए लॉट ऑफ कॉबवेब्स, जो कॉबवेब्स होता है यहाँ पर, एक ग्रेट डील का मतलब हो गया यहाँ पर बहुत अधिक, कॉबवेब्स हो गया यहाँ पर मकड़ी का जाल। ए ग्रेट डील, ए लॉट ऑफ कॉबवेब्स हैड सेटल्ड अराउंड मी, तो बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनका मकर जाल मेरे इर्द गिर्द यहाँ पर जमा हो गया था। एंड आई वॉज स्विप्ट बाई दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम, और मैं क्या कर दिया गया, ये समय के अदृश्य ज्वार भाटा था, टाइड ऑफ टाइम, टाइड मतलब ज्वार भाटा जो होता है, ज्वार जाता है समुद्र के अंदर, ज्वार आता है उसके लिए यूज किया गया टाइड, टाइड ऑफ टाइम यानी समय के अदृश्य ज्वार भाटे में मैं
काफी पीछे धकेल दिया गया था, स्विफ्ट बाई दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम एंड बिजनेस, और मेरे जो बिजनेस था, मेरा जो व्यापार था, उसकी वजह से मैं पीछे ढकेल दिया गया था। आई वाज स्टडिंग एट भुवनेश्वर, मैं कहाँ पढ़ रहा था, भुवनेश्वर में पढ़ रहा था। वेयर आई गॉट माई जॉब, जहां पर मेरी नौकरी लगी थी या मुझे रोजगार मिला था, तो मैं भुवनेश्वर में पढ़ रहा था और वहां मुझे रोजगार मिला था। एंड नाउ फॉर दीज 2 ईयर, और अब 2 सालों में, 2 वर्षों में, आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस, और 2 सालों के अंदर मैंने घर के बारे में एक बार भी यहाँ पर नहीं सोचा था। मैनी टाइम्स माई मदर हैड रिटन लेटर कंप्लेनिंग अबाउट माई नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हर, और कई बार मेरी माताजी ने मुझे पत्र लिखे हैं, किसके बारे में कंप्लेंट करने के लिए, कि मैं उन्हें कोई पत्र नहीं लिखता हूँ, ऐसी शिकायत दर्शाने के लिए यहाँ पर मेरी माताजी ने पत्र लिखे हैं। शी हैड इवन रिमाइंड मी टू दोज प्री मैरिज डे ऑफ माइंड, और मेरी माता जी हैं, उन्होंने मुझे याद भी दिलाया है कि शादी से पहले कैसे दिन थे, कैसे मैं था, उसके बारे में मेरी माता ने मुझे याद दिलाया है कि मैं शादी से पहले कैसा था। यट फिर भी आई हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दोज स्टैंड्स ऑफ कंप्लेंसी विच हैव कॉइल्ड अराउंड मी, यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि फिर भी मैं आत्मसंतुष्टि के धागों को, आई एम नेवर हैव बीन एबल टू ब्रेक दोज स्टैंड्स ऑफ कॉम्प्लेंसी, कॉम्प्लेंसी मतलब जो आत्मसंतुष्टि है, यहाँ पर आत्मसंतुष्टि के जो धागे थे मेरी तरफ, चारों तरफ जो लिपटे हुए थे, मैं उनमें लिपटा हुआ था, कभी उनको तोड़ नहीं सका। जैसे आई नेवर हैव बीन एबल टू ब्रेक, यानी कि मैं कभी इसके योग्य नहीं हुआ, टू दोज स्टैंड ऑफ कॉम्प्लेंसी विच हैव कॉइल्ड अराउंड मी, जो मेरे चारों तरफ जो क्या थे, आत्मसंतुष्टि के धागे यहाँ पर लिपट गए थे, उनको मैं कभी तोड़ नहीं सका। आई हैव कीप्ट क्वाइट टू प्रूव दैट, मैं यहाँ पर शांत रहा, क्या सिद्ध करने के लिए, टू प्रूव दैट, सिद्ध करने के लिए, दैट आई एम बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड, कि मैं बहुत क्या हूँ, व्यस्त हूँ, और प्री ऑक्यूपाइड मतलब चिंता मगन हूँ, यानी पहले से मेरे दिमाग में बहुत सारी चिंताएं हैं। नाउ शी डज नॉट कंप्लेन, और अब वो क्या करती हैं, शिकायत नहीं करती हैं। प्रोबेबली शायद शी अंडरस्टैंड माई पोजिशन, शायद वो मेरी स्थिति अब समझती हैं। यूजुअली यूजुअली हम देखते हैं प्राय, माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी, यूजुअली जो मेरे बड़े भाई हैं वो मुझे पत्र नहीं लिखते हैं। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी, और उन्हें मेरे से या मुझसे उन्हें कोई अपेक्षा यहाँ पर नहीं है। ही हैज नेवर सॉट ए टोकन फ्रॉम मी इन लाइन ऑफ हिज कंसर्न फॉर मी एज ए एल्डर ब्रदर, और एक बड़े भाई के रूप में अपनी जिम्मेदारी के बदले में उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं चाहा है। उन्होंने अपनी बड़े भाई की जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाई है, लेकिन उन्होंने उसके बदले मेरे से कुछ नहीं चाहा है। नेवर सॉट टू टेकन फ्रॉम मी, उन्होंने मेरे से कुछ लेने की इच्छा नहीं की है। इन लाइन ऑफ हिज कंसर्न, यानी उनके कंसर्न यहाँ पर क्या है, फॉर मी एन एल्डर ब्रदर, यानी अपने बड़े भाई की जिम्मेदारी तो उन्होंने अच्छे से निभाई है, लेकिन उसके बदले में उन्होंने मेरे से कुछ नहीं चाहा है। इन दोज डेज बहन आई वॉज स्टूडेंट, उन दिनों में जब मैं छात्र था या विद्यार्थी था, दी ओनली थिंग्स दैट ही इंक्वायर्ड अबाउट वॉज माई वेलबींग, और जब मैं विद्यार्थी था तो केवल मेरे भले या फिर कुशल क्षेम होने की वो बात पूछे थे, भले चंगे की बात पूछे थे, कि मैं फाइन हूँ या नहीं हूँ, ऐसी बात वो पूछा करते थे। एंड ड्यूरिंग माई स्टे, और जब मैं घर पर रुकता था, ही बॉट कैच फिश, वो मछली पकड़ कर लाते थे फॉर मी, मेरे लिए, फ्रॉम दी पॉन्ड, तालाब से वो मेरे लिए मछली पकड़, हमारे घर के पीछे जो तालाब था उसे मेरे लिए वो मछली पकड़ के लाते थे। एंड वुड आस्क हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से बोलते थे, टू प्रिपेयर ए गुड डिश, एक अच्छी यहाँ पर व्यंजन तैयार करने के लिए। तो वो जब मैं घर पर होता था तो वो तालाब से मछली पकड़ कर लाते थे, अपनी पत्नी से अच्छी व्यंजन बनाने के लिए यहाँ पर भी बोलते थे। फोर आई लव्ड फिश, क्योंकि मैं मछलियों से क्या करता था, प्यार करता था, या मछलियाँ मुझे पसंद थी। नेक्स्ट हम देखें, वहीन दी कैच वाज स्केंटी, यानी जब मछलियाँ यहाँ पर क्या होती थी, कम कम होती थी, तो
तो क्या करते थे वो, जब मछलियां प्राप्त नहीं हो पाती या स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब है यहाँ पर कि कम मात्रा में मछलियां प्राप्त होती थी, दी डिश वुड बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मी, तो यहाँ पर व्यंजन सिर्फ मेरे लिए बनाया जाता था, अगर मछलियां कम पड़ जाती थी या कम हो जाती थी तो व्यंजन सिर्फ मेरे लिए बनाया जाता था। ही वुड सी टू हिज वाइफ, और वो अपनी पत्नी से कहते थे, यू मस्ट मेक द डिश एज डेलीशियस एज पॉसिबल यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट फॉर दी बावली, और वो यहाँ पर बताते हैं, यू मस्ट मेक दी डिश, वो अपनी पत्नी को बताते थे कि तुम अच्छे से अच्छी डिश बनाओ, डेलीशियस बहुत स्वादिष्ट तुम क्या बनाओ, डिश बनाओ, व्यंजन बनाओ, बहुत अच्छा स्वादिष्ट तुम व्यंजन बनाओ जितना संभव हो सके, यूजिंग मस्टर्ड पेस्ट यानी कि मसाला वगैरह लेकर के, यानी मसाला इस्तेमाल करके तुम अच्छे से मस्टर्ड पेस्ट यानी कि सरसों का मसाला इस्तेमाल करो और एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ फॉर बावली, बावली के लिए अच्छा व्यंजन बनाओ। इवन नाउ, और अब भी, ही इज द सेम मैन, वे वैसे ही व्यक्ति हैं, विथ द सेम टून ऑफ लव, वो वैसे ही व्यक्ति हैं, स्नेह भी उनमें इतने भरा हुआ है और सहानुभूति भी उनमें इतनी ही भरी हुई है, नथिंग हैज चेंज्ड हिम, और उनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हिज 7 चिल्ड्रन, उसके 7 बच्चे, फादर मदर कैटल्स मवेशी फील्ड खेत हाउस होल्ड घर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, सब वैसे के वैसे ही हैं, कुछ भी यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ है। ही इज सेम माई एल्डर ब्रदर, और वो वैसे ही हैं मेरे बड़े भाई। आई हैंडल्ड दी लेटर केयरफुल्ली, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं पत्र को सावधानी से यहाँ पर संभालता हूँ। ही हैड आस्क्ड मी, और यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने मुझे घर आने के लिए कहा था। सम फ्यूड, फ्यूड का मतलब होता है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ झगड़ा हो गया था। सम फ्यूड हैड क्रॉपड अप, तो सम फ्यूड हैव क्रॉपड अप, क्रॉपड अप मतलब कि उत्पन्न हो गया था, कुछ झगड़ा यहाँ पर उत्पन्न हो गया था। दी टू सिस्टर इन लॉ हैड क्वारल्ड, और यहाँ पर क्या हो गया था, कुछ झगड़ा जो हो गया था तो इसमें दोनों भाभियों में क्या हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, कुछ विवाद उत्पन्न हो गया था, दोनों भाभियों में लड़ाई हो गई थी। आवर पैडी फील्ड दी कॉटेज एंड ऑल दी मूवेबल एंड इमूवेबल वर बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स अमोंग अस, और जो भी हमारे पास में थी, क्या थी हमारे पास में, जो भी हमारे पास में धान के खेत थे, पैडी फील्ड यानी धान के खेत थे, और कॉटेज एंड दी ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल, जो भी यहाँ पर अचल और अचल संपत्ति थी उसको डिवाइड किया गया था, 3 भागों में इसको बांटा गया था, 3 पार्ट अमोंग अस यानी 3 भाइयों के बीच में बांटा गया था। माई प्रेजेंस क्या था, मेरी उपस्थिति यहाँ पर बहुत आवश्यक थी, इनडिस्पेंसिबल यानी बहुत आवश्यक थी। इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर हु वॉज सो पर्टिकुलर एंड एडमेंट अबाउट द डिविजन, और यहाँ पर मेरा मझला जो भाई था, माई सेकंड ब्रदर यानी मेरा जो मझला भाई था उसके बारे में बता रहा है कि मेरा मझला भाई, ही वॉज सो पर्टिकुलर एंड एडमेंट अबाउट दी डिवीजन, वो बंटवारे के लिए बहुत ज्यादा जिद्दी था, वो बंटवारा चाहता ही चाहता था। एडमेंट मतलब अडिग था, वो बंटवारा चाहता ही चाहता था। अबाउट दी डिवीजन ही वॉन्टेड इट एट एनी कॉस्ट, और वो बंटवारा किसी भी कीमत पर चाहता था। आई फिनिश्ड रीडिंग दी लेटर, और मैं क्या करता हूँ, लेटर पढ़ने को खत्म कर देता हूँ। आई फिनिश्ड दी लेटर, ए कोल्ड स्वीट ड्रेंच्ड इन मी, तो जैसे ही मैं यहाँ पर लेटर पढ़ना, पत्र पढ़ना बंद समाप्त करता हूँ, आई ए कोल्ड स्वीट ड्रेंच्ड इन मी, एक भयभीत यानी कि ठंडे पसीने ने मुझे क्या कर दिया था, भिगो दिया था। ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड का मतलब है यहाँ पर भिगो देना, यानी कोई ठंडा पसीना था उसने मुझे भिगो दिया था। आई फेल्ट हेल्पलेस और पेंड, और मैंने यहाँ पर अनाथ जैसा महसूस किया, और फेंड मतलब अनाथ, ए सॉर्ट ऑफ डिसअपियर हंटेड मी फॉर लॉन्ग टाइम, और यहाँ पर लंबे समय तक एक प्रकार की हताशा मुझे यहाँ पर डराती रही, डिसअपियर हंटेड मी यानी डराती रही फॉर लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय से, तो लंबे समय से एक हताशा है मुझे यहाँ पर डराती रही, हंटेड का मतलब डराती रही। क्वाइट रिलेंटलेसली, रिलेंटलेसली का मतलब होता है यहाँ पर कि निर्ममता से
कोई हताशा है मुझे डरा रही थी। क्वाइट रिलेंटलेसली आई ट्राई टू ड्राइव देम अवे एंड याउनिंग हेल्पलेसली। और यहाँ पर कुर्सी में ऐसा है रूप से मैं क्या हुआ था, याउंग हेल्पलेसली इन दी चेयर। याउंग मतलब जमाई लेते हुए क्या कहता था, बैठ गया था वो तो कुर्सी पर ही, यहाँ पर वो बैठ जाता है जमाई लेते हुए। बिल्कुल निर्ममता से मैंने अपनी हताशा के भावों को दूर भगाने का यहाँ पर क्या किया, प्रयास किया। रिलेंटलेसली यानी निर्ममता से, याउंग मतलब जमाई लेना, तो जमाई लेते हुए हम मुंह फाड़ के जमाई लेते हैं, उसके लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है। इन द इवनिंग यानी शाम के समय की बात है, आई टोल्ड माई वाइफ अबाउट दी पार्टीशन दैट वॉज टू टेक प्लेस। तो मैंने अपनी पत्नी को बताया जो भी यहाँ पर बंटवारा होने वाला था उसके बारे में मैंने अपनी पत्नी से बात की, अपनी पत्नी को बताया। आई फाउंड हर टोटली अनप्रटर्ब्ड, तो मैंने उसको पूरी तरीके से अप्रभावित पाया। शी जस्ट आस्क्ड मी, और उसने मुझसे पूछा वहन कब कब बंटवारा हो रहा है। एज इफ इफ शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस, जैसे कि उसे पहले से तैयारी कर रखी हो, वह इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। इन ए वीक टाइम आई सेड, मैंने कहा एक हफ्ते में। इन बेड दैट नाइट, और उस रात बिस्तर पर, माई वाइफ आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चन, तो उस रात मेरी पत्नी है सोते समय सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछती है, सभी प्रकार के प्रश्न पूछती है। व्हाट वुड बी आवर शेयर, हमारा हिस्सा क्या होगा, एंड हाउ मच वुड इट फेच अस ऑन सेलिंग इट, और इसको बेचने पर हमें कितना कुछ मिलने वाला, कितनी राशि मिलेगी। आई सेड नथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, फॉर व्हाइल यानी कुछ समय के लिए, बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर, और उसको संतुष्ट करने के लिए, एट लास्ट अंत में, गेस्ड दैट इट शुड बी अराउंड 20,000 रुपीज, और अंत में उसको संतुष्ट करने के लिए मैंने अंदाजा लगाया कि ये लगभग किसके आसपास होगा, 20,000 के आसपास होगा। सी कम क्लोजर टू मी, वह मेरे और निकट आती है एंड सैड और कहती है, वी डोंट नीड एनी लैंड इन दी विलेज, हमें गाँव में कोई जमीन यहाँ पर नहीं चाहिए। वाट सेल वी डू विथ इट, हम इसका क्या करेंगे। लेट अस सेल इट, हम इसे बेच देते हैं, एंड टेक दी मनी, और पैसे ले लेते हैं। रिमेंबर, याद रखो, वहन यू सेल इट, जब तुम्हें इसे बेचोगे, हैंड ओवर टू मी, तुम मुझे दे देना, एंटायर 20,000, पूरे 20,000 मुझे दे देना। आई विल मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट, मैं इसका पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से मैं इसका इस्तेमाल करूंगी, मैं सही तरीके से उपयोग करूंगी। वी नीड ए फ्रिज, यानी हमें क्या है, एक फ्रिज की जरूरत है। यू नो, तुम जानते हो, समर इज अप्रोचिंग, यानी गर्मी आ रही है। यू नीड नॉट गो टू ऑफिस राइडिंग ए बाइसिकल, तुम्हें साइकिल चलाते हुए ऑफिस जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, दफ्तर जाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। यू मस्ट हैव ए स्कूटर, तुम्हारे पास स्कूटर होना चाहिए। एंड रेस्ट वी पुल पुट इन बैंक, और बाकी बचे कुछ हम किस में रख देंगे, बैंक में रख देंगे। देयर इज नो यूज कीपिंग लैंड इन दी विलेज, गाँव में जमीन रखने का कोई फायदा नहीं है। वी कैन नॉट लुक आफ्टर इट, हम इसकी देखभाल भी नहीं कर सकते। एंड व्हाई शुड अदर ड्रॉ बेनिफिट आउट ऑफ आवर लैंड, और हमारी जमीन से और कोई लोग हैं, दूसरे लोग हैं, क्यों है इसका फायदा उठाएं। आई लिसन टू ऑल दिस लाइक ए इनोसेंट लैम्ब लुकिंग इन टू ए डार्कनेस, और अंधेरे में मैं क्या कर रहा था, इस सबको सुन रहा था। ऑल लाइक दिस, मैं इसको सबको सुन रहा था, किसकी, जैसे ए इनोसेंट लैम्ब लुकिंग इन टू द डार्कनेस, जैसे अंधेरे में झांकता हुआ एक मासूम मेमना है, उसकी बाती में ये सारी बातें सुन रहा था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज जैसे, इफ द बचर वाज शार्पनिंग हिज नाइफ, जैसे कि कोई क्या है, कसाई क्या कर रहा हो, अपने चाकू को शार्प कर रहा हो, अपने चाकू में धार दे रहा हो। एंड हमिंग ए ट्यून एंड वेटिंग टू टीयर मी इन टू ए लार्ज चंक ऑफ मीट एंड कंसोलिंग मी सेइंग दैट देयर इज बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, तो मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा था कि जैसे एक कसाई मेरे मांस के बड़े बड़े टुकड़े करने की प्रतीक्षा कर रहा है। अम्पिंग ए ट्यून वेटिंग टू टीयर मी इन टू लार्ज चंक, चंक मतलब मांस, चंक ऑफ मीट यानी मांस के टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश कर रहा है कोई, कौन, कसाई। एंड शार्पनिंग हिज नाइफ, उसको चाकू को धार दे रहा है इसके लिए, और एक गीत गुनगुना रहा हो, क्या गीत गुनगुना रहा हो, सेइंग दैट, कह रहा हो, दैट इज बेटर लाइफ आफ्टर दैट, कि मृत्यु के बाद में जिंदगी अच्छी है, यानी मृत्यु के बाद जीवन और भी अच्छा होगा। गॉन आर दोज डेज, वे दिन बीत गए, गॉन आर दोज फीलिंग,
वे भावनाएं यहाँ पर खत्म हो गई, नहीं रही। व्हेन द वर्ल्ड होम फिल्ड माई हर्ट विथ इमोशंस, तो वे भावनाएं यहाँ पर खत्म हो गई। जब घर में शब्द दिल मेरे जो शब्द हैं मेरे दिल की भावना से भर देते थे, यानी घर का जो शब्द है घर शब्द मेरे दिल की भावना को भर देते थे, वो दिन यहाँ पर बीत गए। एंड दिस अफेसिनेट वर्ड ब्रदर, और यहाँ पर अफेसिनेट वर्ड बताया गया है भाई के लिए, यानी स्नेहपूर्ण शब्द है अफेसिनेट, यानी स्नेहपूर्ण वर्ड शब्द भाई। तो भाई जो स्नेहपूर्ण शब्द भाई है, व्हाट फीलिंग इट हैड, इसके अंदर कितनी भावनाएं निहित होती हैं। हाउ इट यूज टू मेक माई हार्ट प्राउड विथ लव, और यह कैसे यह शब्द मेरे दिल को धड़का दिया करता है। मेक माई हार्ट प्राउड विथ लव, यानी मेरे दिल के हृदय को किस तरीके से गर्व से धड़का दिया करता है। रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग आई फील वीक एंड पैंथेटिक, और इन सभी चीजों को याद करके मैं कमजोर और दुखी महसूस कर रहा था। फील वीक यानी कमजोर महसूस कर रहा था, एंड पैंथेटिक, पैंथेटिक मतलब दुखी महसूस कर रहा था, कमजोर भी महसूस कर रहा था और दुखी भी, उदासी भी महसूस मैं कर रहा था। वेयर इज द हर्ट गॉन, यह दिल, वह दिल कहाँ गया, तो वह सोचता है कि वह दिल कहाँ गया। वेयर डिड द हर्ट गॉन, वह दिल कहाँ गया। वेयर आर दोज डेज, वे दिन कहाँ गए। वेयर वाज द स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गॉन, यानी भावनाओं की वह जो स्वाभाविकता थी वो कहाँ गई। स्पॉन्टेनिटी मतलब स्वाभाविकता, जो भावनाओं की उस टाइम पर स्वाभाविकता थी वो यहाँ पर कहाँ गई, यानी नेचुरल फीलिंग जो होती है स्वाभाविकता, उसके लिए यहाँ पर बात की गई है। स्पॉन्टेनिटी यानी नेचुरल फीलिंग, जो नेचुरल रूप से जो फीलिंग होती है उनके लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है, वो फीलिंग कहाँ गई। आई जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ ए स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ द सडन बिकम, तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं ये समझ नहीं पाया, हाउ ए स्ट्रेंजर, कैसे एक अजनबी, कुड ऑल ऑफ सडन बिकम सो इंटीमेट, यानी कैसे एक अजनबी थोड़ी सी बात शेयर करके, ओनली शेयरिंग ए लिटिल वार्मथ, थोड़ी सी आत्मीयता या स्नेहमयता दे करके, वाई गिविंग ए साइलेंट प्रोमिस कीपिंग क्लोज, कैसे थोड़ी सी सांत्वना दे करके, साथ निभाने का वादा दे करके, कैसे उससे आत्मीयता हो जाती है अचानक से। वट आई बिकम माई मॉरल सेल्फ इन ट्वीन डेज, लेकिन हम बात करें यहाँ पर कि किंतु मैं दो दिन में अपनी सामान्य दशा में आ गया था। आई बिकम माई नॉर्मल सेल्फ इन ट्वीन डेज, यानी दो दिन के अंदर मैं सामान्य अवस्था में आ गया था। आई ग्रो यूज टू हार्ट हैड बीन शॉक, और जो आघात मुझे हुआ था मैं उसमें अभ्यस्त था, यानी मैं उसमें व्यस्त था। लेटर ऑन बाद में, इन द मार्केट प्लेस, में बाजार गया, कीपिंग पीस विथ माई वाइफ, और बाजार में अपनी पत्नी के संग कदम मिलाते हुए मैं बाजार जाता हूँ। इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइस ऑफ डिफरेंट थिंग्स सी इंटेंडेड टू बाई, और जो वह खरीदना चाहती थी उन चीज़ों की कीमतों के बारे में पता लगाया। वाइंग ए फ्रिज ऑलमोस्ट सर्टेन, तो यहाँ पर एक फ्रिज को खरीदना तो लगभग तय था, तो फ्रिज को खरीदना यहाँ पर ऑलमोस्ट सर्टेन यानी कि यह लगभग तय था। ए सेकेंड हैंड स्कूटर, ए स्टूडियो सेट एंड सम ओल्ड गोल्ड ऑर्नमेंट्स, और यहाँ पर एक पुराना स्कूटर, एक स्टूडियो सेट और कुछ सोने के आभूषण, सम गोल्ड ऑर्नमेंट्स यानी कुछ सोने के आभूषण। आई प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ प्राइस, तो मैंने यहाँ पर कीमतों की एक सूची बना ली। सी फेल्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशन, और वह मुझे अपने इरादे याद दिलाती रहती थी, याद दिलाना उसने जारी रखा। एंड वाज शोइंग लॉट ऑफ इम्पेशेंस, और वह बहुत ज़्यादा अधीरता उसके लिए दिखा रही थी, जो उसकी पत्नी थी बहुत ज़्यादा अधीरता यहाँ पर दिखा रही थी। इट वाज सैटरडे आफ्टरनून, और यह क्या थी, शनिवार को दोपहर का समय था। आई फेल्ट फॉर माई विलेज, और मैं अपने गांव के लिए रवाना हुआ। द सेम बस, और वही बस, वाज देयर इंस्पायरिंग इन टाइल द ओल्ड फेमिलियर फीलिंग, तो वही पुरानी बस थी यहाँ पर, मैं अपने गांव के लिए जब रवाना हुआ तो वही बस वहाँ थी जो पुरानी थी, सुखदाई अनुभूति के लिए यहाँ पर क्या कर रही थी,
कर रही थी, फैमिलियर फीलिंग यानी पहले जैसी फीलिंग यहाँ पर आ रही थी। आई रश्ड टू ऑक्यूपाई दी सीट जस्ट बिहाइंड दी ड्राइवर, और ड्राइवर के पीछे वाली सीट को पकड़ने के लिए मैं क्या किया, ऑक्यूपाइड करने के लिए मैं दौड़ा। ऑक्यूपाइड, रश बिहाइंड यानी कि रश, रश मतलब रश्ड यानी लपका, उस सीट को पकड़ने के लिए मैं लपका। माई फेवरेट सीट यानी मेरी ये फेवरेट सीट थी। इन माई हरी यानी मेरी जल्दी की वजह से, क्या होता है, मेरी शीघ्रता के कारण। आई ब्रूस्ड माई नी अगेंस्ट द डोर, तो मेरा जो घुटना था दरवाजे से चोट लग जाती है। आई इट हर्ट मी, और मुझे इससे क्या लग जाती है, चोट लग जाती है, और इससे मैं घायल कर दिया यानी दरवाजा था या चोट जो लग गई थी मेरे घुटने में उसकी वजह से मैं घायल हो गया। द ब्रीफ केस फेल ऑफ, और यहाँ पर सूट केस है, अटैची है, वह गुड़ जाती है। एंड ए लिटिल पैकेट कंटेन द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज मिंट फॉर माई डियर मदर वॉज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड, और यहाँ पर एक लिटिल पॉकेट था, एक छोटा बक्सा था जिसके अंदर प्रसाद था, किसका, लॉर्ड लिंगराज का प्रसाद था। माई डियर मदर, जो मेरी माता जी के लिए लाया था, वॉज स्कैटर्ड ओवर द ग्राउंड, वो क्या है, जमीन पर पूरी तरीके से फैल जाता है, पूरी तरीके से जमीन पर बिखर गया था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज जैसे, इफ द इंटायर बस वॉज स्क्रीचिंग अलाउड द क्वेश्चन, मैंने महसूस किया कि सारी बस मानो चीख चीख कर यह प्रश्न कर रही हो। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स यानी इतने कितने सालों के बाद, यू हैव नॉट ब्रदर्ड इन द लीस्ट टू रिटेन द टेंडर लव यू हैड इन योवर हार्ट फॉर योवर होम, कि कितने सालों के बाद तुमने उस मृदुल जो स्नेह है उसको बनाए रखने की तनिक भी यहाँ पर परवाह नहीं की जो तुम्हारे हृदय में घर के लिए था। इंस्टेड यू हैव सोल्ड इट यानी इसके बजाय तुमने इसको बेच दिया, सोल्ड इट टू द वचर टू हेल्प योवर सेल्फ बिकम ए सिटी बाबू कर्स टू बी ऑन यू, तो यहाँ पर इसके बजाय तुमने उसी कसाई को बेच दिया, कौन से कसाई को बेच दिया, जिसने तुम्हें शहरी बाबू बनाया है, बिकम ए सिटी बाबू यानी शहरी बाबू बनाने में जिसने मदद की है। कर्स वी ऑन यू, तुम्हें धिक्कार है। नेक्स्ट हम देखें, ए बोर्डेड दी बस, आई बोर्डेड दी बस, तो मैं यहाँ पर क्या होता हूँ, बस में चढ़ जाता हूँ। कलेक्टिंग दी ब्रीफ केस, ब्रीफ कोर्स को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आई बोर्डेड दी बस, मैं बस में चढ़ा। कलेक्टिंग दी ब्रीफ केस एंड दी कंटेंट ऑफ सॉइल्ड पैकेट, और जो भी यहाँ पर पैकेट के अंदर थे ब्रीफ केस का सामान समेटते हुए मैं बस में चढ़ता हूँ। वियरिंग ए सेमलेस स्माइल फॉर दी क्लीनर, और यहाँ पर जो बस की सफाई करने वाला था उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वियरिंग ए सेमलेस यानी कि बेशर्मी वाली स्माइल मैं उसके लिए देता हूँ। एंड कंडक्टर ऑफ बस, और कंडक्टर है, बस का कंडक्टर है, उसके लिए भी मैं बेशर्मी सी मुस्कान धारण करते हुए मैं क्या करता हूँ, बस में सवार हो जाता हूँ। आई वॉज फाइव इन द इवनिंग, इट वॉज फाइव इन द इवनिंग, शाम के 5 बज गए थे। वहन आई गॉट डाउन यानी जब मैं बस से नीचे उतरा तो शाम के 5 बज गए थे। इट आई हैड रिटन बिफोर हैंड, तो यहाँ पर मैंने पहले से सूचना लिखी भेजी थी। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर टू मीट मी एट दी बस स्टैंड, यानी मेरे जो बड़े भाई थे वो बस स्टैंड पर मुझसे मिलने पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे। ही अपीयर्ड ए लिटिल टायर्ड एंड वार्म आउट, और यहाँ पर ही अपीयर्ड ए लिटिल टायर्ड एंड वार्म आउट यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि बड़े भाई पहले से मौजूद थे, कठिन परिश्रम के कारण वो थोड़े थके हुए प्रतीत हो रहे थे, दुबले हुए प्रतीत हो रहे थे। गिव दैट ब्रीफ केस टू मी, वह अटैची मुझे दे दो। दैट मस्ट बी हैवी, वह भारी होगी। ही ऑलवेज स्नैच्ड इट अवे फ्रॉम मी, और उन्होंने मुझसे इसे लगभग छीन लिया। आई फॉरगेट इवन टू टच हिज फीट, और मैं उनके पांव स्पर्श करना भी यहाँ पर भूल गया था। दिस हैड नेवर हैपेंड ईयरलियर, और यह पहले कभी नहीं हुआ था। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और वो क्या है, मेरे आगे चल रहे थे। We were walking on the village road and dusty and ever the same. तो हम यहाँ पर गांव की सड़क पर चल रहे थे जो क्या है, धूल से भरी हुई थी, डस्टी थी, एंड एवर द सेम, और सदैव वैसी ही ये रही है बस,
जो भी यहाँ पर रोड था वैसे ही रहा है। आई वॉज यूजली क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलोंग टू गो ए टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन। और मैं यहाँ पर ज्यादातर मैं क्या करता, आई वॉज यूजली क्रॉसिंग द स्ट्रीट, मैं गली को लगभग रोजाना पार करता था, प्राय गली को पार करता था। किसके लिए? टू गो टू ए टीचर, एक अध्यापक के पास में जाता था इन द इवनिंग, शाम के समय, फॉर ट्यूशन यानी ट्यूशन पढ़ने के लिए मैं शाम के समय एक अध्यापक के पास में जाता था, तो अकेला इस गली को पार करके जाता था। आई वॉज जनरली लेट एंड डार्क व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडीज। और जब मैं पढ़ाई करके लौटता था तो प्राय ज्यादातर क्या हो जाता था, अंधेरा हो जाता था। अनफेलिंगली माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू एस्कॉर्ट्स मी बैक होम लीस्ट आई शुड बी फ्राइटेंड। तो यहाँ पर अनफेलिंगली, अनफेलिंगली का मतलब है यहाँ पर बिना देरी के, बिना देरी के। तो यहाँ पर हम बात करें कि बिना चुका, अनफेलिंगली यहाँ पर हो गया बिना चुके या बिना देरी के। माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई, वुड बी देयर, मेरे बड़े भाई वहां रहते थे, कहाँ पर, मुझे वापस ले जाने के लिए उपस्थित रहते थे। एस्कॉर्ट्स मी बैक यानी मुझे वापस लाने के लिए उपस्थित रहते थे, एस्कॉर्ट्स मतलब साथ लाने ले आने के लिए उपस्थित रहते थे। लीस्ट एट आई शुड बी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं डरता था इसलिए वो, या ताकि मैं डरूं नहीं इसलिए वो हमेशा मेरे साथ वापस लाने के लिए हमेशा वो वहां पर उपस्थित रहते थे। ही वुड कैरी दी लालटेन, और वे लालटेन, माई बैग, मेरा जो बैग था, बुक्स एंड नोट्स, और मेरी जो किताबें थी, नोट्स थी, वो थैला वो ले आते थे। आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, और मैं उनका क्या करता था, पीछे पीछे चलता रहता था, या पीछे चलना मुझे पड़ता था उनके पीछे, ऐसा करते हुए मुझे उनके पीछे चलना पड़ता था। इफ आई लैग्ड बिहाइंड दी ही वुड आस्क, अगर जब मैं कभी पीछे रह जाता तो वे पूछते थे, भाई क्यों, यू आर परहैप्स टायर्ड, क्या शायद तुम थक गए हो। अगर मैं पीछे रह जाता था तो वो पूछते थे कि शायद तुम थक गए हो। कम होल्ड माई हैंड, आओ मेरा हाथ पकड़ो, एंड वॉक विद मी, और मेरे साथ चलो। ही समटाइम्स यूज टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर व्हाइल गोइंग टू फील्ड फॉर ए स्ट्रॉल, और जब भी खेतों पर जाते थे या खेतों पर घुमाने के लिए ले जाया करते थे, तो वे कभी कभी क्या करते थे, मुझे कंधों पर बैठा लेते थे। कैरी मी ऑन हिज शोल्डर यानी अपने कंधों पर वो मुझे ले जाते थे। फॉर स्ट्रॉल, स्ट्रॉल मतलब खेतों पर घुमाने के लिए यानी टहलने के लिए जब जाते थे खेतों पर, तो मुझे कंधे पर बैठा लेते थे कई बार। दी बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम दी विलेज, और बस स्टैंड गांव से कुछ दूरी था। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, मैं उनसे पिछड़ गया था। ही स्टॉप्ड, वह रुका, एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन ही यूज टू आस्क, और वही सेम क्वेश्चन है वापस पूछता है जो पहले वो पूछा करता था। आई जस्ट कुड नॉट स्पीक, और मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलता हूँ। दिस द पास्ट वॉज स्प्राउटिंग अप इन मी, और मेरे अतीत है मेरे अंदर क्या हो रहा था, स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मतलब अंकुरित हो रहा था, अप इन मी, तो जो अतीत था, जो पुराना काल था, वो मेरे अंदर अंकुरित हो रहा था। दी चाइल्ड हुड डेज, बचपन के दिन, दी डेज नाउ, और अब के दिन, दी टाइम हैज कैलकुलेटेड फॉर मी, और जो समय था मेरे लिए क्या गया था, ठहर सा गया था। कैलकुलेटेड मतलब ठहर जाना, कि समय मेरे लिए क्या हो गया था, ठहर सा गया था, कैलकुलेटेड यानी ठहर गया, धीमा हो गया। आई हैव चेंज्ड, मैं बदल गया था, बट माई एल्डर ब्रदर, परंतु मेरा जो बड़ा भाई था, बट माई एल्डर ब्रदर, परंतु मेरा बड़ा भाई, टाइम कुड नॉट ब्रिंग अप अपॉन हिम एनी चेंज, लेकिन मेरे बड़े भाई में समय कोई बदलाव यहाँ पर नहीं लाया था। एज इन दोज डेज, और इन दिनों में, ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और इन दिनों में भी वो मेरे आगे ही चल रहे थे, एंड कैरिंग माई बैग, मेरे बैग को ले जा रहे थे। आई फेल्ट सो स्मॉल, और मैं यहाँ पर बहुत छोटा महसूस कर रहा था, अपने आप को बहुत छोटा यहाँ पर महसूस कर रहा था। नेक्स्ट हम देखें, हेजिटेटिंगली यहाँ पर हो गया, जैसे कि क्या होता है, हेजिटेटिंगली मतलब हिचकिचाते हुए, आई सेड, मैंने कहा, ब्रदर भाई, गिव मी दैट ब्रीफ केस, वह ब्रीफ केस मुझे दे दो, लेट मी कैरी इट फॉर ए वाइल, कुछ टाइम के लिए या कुछ समय के लिए मैं इसे लेकर चलता हूँ।
डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो, ही सेड, उसने कहा, इट इज हैवी, यह बहुत भारी है, यू आर टायर्ड, और तुम थक गए हो, लेट अस क्विकली आवर स्टेप, हमें तेज चलना चाहिए, यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, तुम्हें भूख लग रही होगी, इट इज टाइम फॉर इवनिंग मील, और यह संध्या के समय का भोजन का समय हो गया है, आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, और मैं उसको शांति के साथ में उसके पीछे चुपचाप चलता रहता हूँ, यानी फॉलोड हिम, मैं उसका फॉलो करता रहता हूँ, उसके पीछे चलता रहता हूँ, इन साइलेंस यानी चुपचाप उसके पीछे चलता रहता हूँ। बी रीच्ड होम, हम घर पहुंच जाते हैं, इट वॉज ऑलरेडी डार्क, यह बहुत यहाँ पर पहले से अंधेरा था, द टाइम फॉर लाइटिंग ऑफ विक्स बिफोर द स्केयर्ड तुलसी प्लांट, और यहाँ पर क्या हो गया था, तो जो तुलसी का वो पवित्र पौधा था उसके सामने बत्ती जलाने का यहाँ पर समय हो गया था, अनलाइक दोज डेज, उन दिनों में, नन ऑफ माई नेफ्यू रश्ड टुवार्ड्स मी, तो यहाँ पर उन दिनों में बात करें या उन दिनों की बात करें, उन दिनों से बिल्कुल अलग क्या था, नन ऑफ माई नेफ्यू यानी कोई भी मेरा भतीजा रश्ड टुवार्ड्स मी, मेरी तरफ भागता हुआ नहीं आया, हाउलिंग चिल्लाता हुआ नहीं आया, हियर इज अंकल यानी चाचा आ गए, एंड माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी, और जो मेरी भाभी थी रसोई घर से मेरा स्वागत करने के लिए नहीं दौड़ी थी, आई वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, तो मैं सब और यहाँ पर साबिस बिल्कुल शांति थी, निवरता का यहाँ पर क्या था, साम्राज्य था, एकदम शांति थी, ओनली माई मदर कैम एंड स्टूड नियर मी, ओनली मेरी माता जी, मेरी माँ यहाँ पर आई और मेरे पास खड़ी होती है, द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नाउ वेयर टू बी सीन, और यहाँ पर जो मझला भाई था वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही भाभी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे, इन द इंटायर हाउस, और पूरे घर के अंदर देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस, तो यहाँ पर असामान्यता का वातावरण था, रेदर द स्टिलनेस ऑफ ग्रेवयार्ड यानी यहाँ पर कब्रिस्तान की तरह शांति थी, एज इफ द हाउस वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अल्टीमेट कॉलेप्स, जैसे कि घर है पूरी तरीके से नष्ट होने की क्या कर रहा हो, तैयारी कर रहा हो, अल्टीमेट मतलब पूर्ण तरीके से, कॉलेप्स मतलब नष्ट होने की तैयारी यहाँ पर कर रहा हो, प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी करना, आई ट्राइड टू नॉर्मल विथ एवरी वन, और मैं सबके साथ सामान होने की क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था, बट देयर वॉज दैट एवोमिनेबल यानी लेकिन चारों ओर यहाँ पर बहुत खराब क्या थी, चुप्पी थी, एवोमिनेबल, एवोमिनेबल का मतलब होता है बहुत खराब, एवोमिनेबल लल ऑल अराउंड, लल मतलब कि शांति चुप्पी थी, तो बहुत खराब यहाँ पर चुप्पी थी, माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ, मेरे मझले भाई और उसकी पत्नी, इन स्पाइट ऑफ दियर प्रेजेंस एट होम यानी घर में उनकी उपस्थिति के बावजूद, शोड नो इमोशन, उनके अंदर कोई भी प्यार की भावना यहाँ पर प्रदर्शित नहीं की, दे वर ऑल सेट फॉर पार्टीशन, वे सभी किसके लिए प्रदर्शित थे, बंटवारे के लिए प्रदर्शित थे, वे बंटवारे के लिए बिल्कुल तैयार थे, दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स, और इसके अलावा उन्हें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी, किसी भी चीज़ की उसकी उन्हें देखभाल नहीं थी, आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सो नहीं सका, एंड दी फॉलोइंग मॉर्निंग पास्ट क्वाइट अन इवेंट इवेंटफुली, और अगली सुबह बिल्कुल घटनाहीन बीती यानी अगली सुबह कोई भी घटना यहाँ पर नहीं घटी है, इट वॉज मिड डे और दोपहर के समय की बात है, 7 and 8 people हैज गेदर्ड इन आवर कोर्ट यार्ड, हमारे आंगन में 7-8 लोग हैं इकट्ठा होते हैं, टू सुपरवाइज द डिवीजन यानी बंटवारे का पर्यवेक्षण करने के लिए 7-8 लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वी 3 brother वर प्रेजेंट और हम 3 भाई यहाँ पर मौजूद थे, मदर वॉज नॉट टू बी सीन और माता जी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी, एनी वेयर कहीं भी, इन दी वैसिनिटी यानी यहाँ पर आसपास माता जी यहाँ पर दिखाई नहीं देती रही थी, वी आर वेटिंग फॉर दी फाइनल सेपरेशन और हम यहाँ पर किसकी इंतजार कर रहे थे, अंतिम बंटवारे के लिए हम तैयारी यहाँ पर कर रहे थे, एज इफ रेडी टू स्लाइस आउट दी प्लीस ऑफ डोमेस्टिक बॉडी विच आवर पेरेंट्स हैज न्यूट्राइज्ड सिंस द डे ऑफ दियर मैरिज यानी हम अंतिम बंटवारे के लिए मानो घर रूपी शरीर के मांस के टुकड़े निकालकर प्रतीक्षा कर रहे हों, जिसे हमारे माता पिता ने विच आवर पेरेंट्स हैड्स न्यूट्राइज, जिसे हमारे माता पिता ने पोषण दिया था, पोषित किया था, कब से, सिंस द डे ऑफ दियर मैरिज,
जब से उनकी शादी हुई थी तब से हमारे घर का माता पिता ने क्या किया था, पोषण किया था, और हम उसको बंटवारे के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से इकट्ठे हुए थे। जैसे कि मान लो कोई शरीर के मांस के टुकड़े को निकाल कर उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। एंड एंड देन और तब वी वुड रन अवे इन थ्री डिफरेंट डायरेक्शन क्लचिंग ए पीस ईच, और प्रत्येक अपना टुकड़ा लेकर के अलग अलग दिशा में भाग जाएंगे। ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हैप्ड इन दी फैमिली कोर्ट यार्ड, और घर की जो सारी सामग्री थी परिवार के आंगन में ढेर के रूप में यहाँ पर एकत्रित हो जाती है। दीज वर टू बी डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट्स, और ये यहाँ पर तीन भागों में बांट दी गई। ऑल दी स्मॉल थिंग्स ऑफ हाउस, घर की सभी छोटी चीजें, ऑलमोस्ट एवरी थिंग मूवेबल, चाहे वो चलती हुई यानी चल चल मूवी हो, या फिर चल संपत्ति हो, या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम दी लेडीज लेडल्स मेड आउट ऑफ कोकोनट सेल। लेडल्स मतलब होता है यहाँ पर जो कलछियां होती हैं, यानी बांस की जो कलछियां होती है, नारियल की जो कलछियां होती हैं, छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, उनको भी यहाँ पर डिवाइड किया गया, उनको भी यहाँ पर बांटा गया। वेयर फादर यूज टू कीप हिज वीटल्स, जहाँ पर यानी कि जो पिताजी जिसको उपयोग में लेते थे, पिताजी अपना पान रखने के लिए जिन डिब्बों का इस्तेमाल करते थे, उन डिब्बे का भी यहाँ पर बंटवारा किया गया, उनको भी यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया। दी एक्स एंड दी ऑल रेडियो सेट टू हैड बीन प्रोड्यूस्ड, और जो यहाँ पर पुलाड़ी थी और पुराना रेडियो सेट है वो भी यहाँ पर रखा जाता है। ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम वाज मेड, और सभी यहाँ पर चीजों की एक लंबी सूची बनाई जाती है। नथिंग वाज स्पेयर्ड, कुछ भी यहाँ पर छोड़ा नहीं गया। नाइदर दी धिंकी यानी लकड़ी के चावल क्रशर के बराबर भी यहाँ पर कुछ छोड़ा नहीं गया। वुडन राइस क्रशर यानी लकड़ी का चावल क्रशर, और नॉट द लिटिल फिगर्स ऑफ फैमिली आइडल्स, और न ही छोटी छोटी जो पारिवारिक मूर्तियां थी उनको यहाँ पर छोड़ा गया। आई सॉ माई एल्डर ब्रदर राइज, और मैंने अपने बड़े भाई को उठते हुए देखा। ही स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट, वे एक क्षण के लिए रुकते हैं। नियर दी पाइल ऑफ थिंग, जहां पर वस्तुओं का ढेर लगा हुआ था वहां पर वो एक क्षण के लिए रुकते हैं। एंड अनफास्टेंड दी स्टार्प ऑफ हिज रिस्ट वॉच एंड प्लेस्ड इट ऑन दी हीप विथ दी अदर थिंग्स, और वो अपनी जो कलाई थी, कलाई की घड़ी का पट्टा उन्होंने खोला और इसी ढेर पर अन्य चीजों के साथ में उन्होंने रख दिया। परहैप्स ए टीयर्स ट्रिकल डाउन हिज चीक, शायद आंसू है, आंसू की एक बूंद है उनके गाल से यहाँ पर टपकी है। ट्रिकल्स डाउन हिज चीक, चीक मतलब गाल, ट्रिकल्स मतलब टपकी, टीयर मतलब आंसू। विथ ए हैवी साइज ही फेल्ट दी प्लेस, तो यहाँ पर एक गहरी सांस लेकर वहां से वे चले जाते हैं। आई हैड ऑफन हेयर्ड हिम, और मैंने यहाँ पर सुना था यानी मैंने अक्सर यह कहते हुए सुना था, दैट फादर यानी पिताजी को यह कहते हुए सुना था कि दैट रिस्ट वॉच बहन ही वॉज इन 11th क्लास, मैंने यह सुना था कि पिताजी ने उनके लिए यह घड़ी उस समय दी थी जब वो 11वीं क्लास में थे। बट आई ऑल्सो रिमेम्बर्ड वेल इट माई MA फाइनल ईयर, और मुझे यहाँ पर अच्छे से याद है कि जब मैं MA के फाइनल ईयर में था, ही हैड मॉर्टगेजेज दैट वॉज टू सेंड मी मनी टू गो टू दिल्ली फॉर द इंटरव्यू, और जब मैं इंटरव्यू के लिए दिल्ली गया था तो घड़ी को यहाँ पर क्या रखा गया था, गिरवी रखा गया था, ऐसा मुझे याद है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि घड़ी को यहाँ पर क्या रखा गया था, गिरवी रखा गया था। नेक्स्ट हम देखें, ही हैड सेंट मी ए अमाउंट ऑफ 150 रुपीज, और उन्होंने मुझे कितने रुपए भेजे थे, 150 रुपये यहाँ पर भेजे थे। आई रिमेम्बर्ड क्लियरली, मुझे अच्छे से याद है। नो वन नो वेदर दी रिस्ट वॉच कुड कम बैक टू हिम और नॉट, और यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था कि ये जो घड़ी है उनके पास वापस आएगी या नहीं आएगी। हिज एक्शन सीम्ड सिम्बोलिक ऑन हिज स्नैपिंग ऑल हिज अटैचमेंट विथ दी पास्ट, और जो एक्शन था उनका, जो यहाँ पर क्या था, ये कदम था, यह भूतकाल से पूर्ण रूप से लगाव के जो संबंध है उसको तोड़ने का संकेत यहाँ पर प्रतीत हो रहा था। हिज हो रहा था यह
कदम उनका प्रतीत हो। आई वॉज साइलेंट, मैं यहाँ पर क्या था, चुप था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ वॉज इन दी बैकयार्ड, और जो मेरी बड़ी भाभी थी वो पिछवाड़े में थी। माई सेकेंड ब्रदर वॉज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इन टू हिज वाइफ ईयर एंड वॉज देयर टॉकिंग हिज प्लेस विथ अस। और यहाँ पर जो मेरा मझला भाई था, दूसरा भाई था, वह अपनी पत्नी के कान में कुछ फुसफुसा रहा था और उनके साथ ही हमारे पास बैठा था। वचर नीफ गोइंग टू स्टोन टू शार्पन इटसेल्फ, और मुझे कुछ वैसा ही था जैसे कसाई पत्थर पर अपना चाकू तेज कर रहा हो। द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कम्पोज, और बड़े भाई थे यहाँ पर शांत और संयम थे। लाइक ए परफेक्ट जेंटलमैन, और एक अच्छे सज्जन भांति की व्यक्ति की भांति, ही वॉज लुकिंग एट दी प्रोसीडिंग, वे क्या कर रहे थे, कार्यवाही को यहाँ पर देख रहे थे। डिस पैशनेटली यानी भावुकता से उस कार्यवाही को वे देख रहे थे। एग्जैक्टली वैसे ही एज ही हैड डन ऑन द डे ऑफ स्केयर्ड थ्रीड सेरेमनी ऑफ हिज सन एंड ऑन द डे ऑफ माई मैरिज, वैसे ही ये कार्यवाही को वैसे ही देख रहे थे जैसे उन्होंने अपने पुत्र के उपनयन संस्कार और मेरी शादी के दिन किया था। इट वॉज सेम प्री ऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर, और यह अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाने का वही चिंता मगन था। प्री ऑक्यूपाइड मतलब चिंता मगन था, एवं ग्रेव मैनर यानी कि ये गंभीर तरीका था अटेंडिंग ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी को निभाने का, या अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाने का वही चिंता मगन और गंभीर तरीका था। व्हाइल डिस्कसिंग एनीथिंग विथ माई सेकेंड, मजले भाई से किसी बात पर चर्चा करते समय ही हैड द सेम काम एंड कंपोज्ड वॉइस, उनकी यहाँ पर वही शांत और संयम आवाज थी। नॉट ए साइन ऑफ डिसगस्ट एंड रिग्रेट, और खेद और यहाँ पर किसकी नाराजगी का यहाँ पर कोई भी संकेत नहीं था। आई रिमेम्बर्ड, और यहाँ पर मुझे याद है, द फादर द ईयर फादर डाइड, जिस वर्ष पिताजी गुजरे थे, वी हैड लिव अंडर ए ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, तो उस समय हम बड़े आर्थिक संकट से गुजरे थे। इट वॉज विंटर, यह सर्दी का दिन था, सर्दी का मौसम था। द चिल वॉज एज इट हाई, और यहाँ पर ठंड है अपने चरम पर थी। वी हैड ए लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट, और हमारे पास सीमित मात्रा में क्या थे, कंबल थे। द कोल्ड वॉज सो बीटिंग, और यहाँ पर ठंड कपाने वाली थी, पार्टिकुलरली एट मिड नाइट, और लगभग खासकर आधी रात में। दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट एनफ फॉर वन, और यहाँ पर एक कंबल एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। दैट नाइट, उस रात को, आई वॉज स्लीपिंग इन दी पासेज रूम, और उस रात को उस ठंड में मैं यहाँ पर क्या था, गलियारे वाले कमरे में सो रहा था। उस रात में गलियारे वाले कमरे में सो रहा था। वहीन आई वॉक अप, जब मैं जागा, इन दी मॉर्निंग, सुबह, आई फाउंड, तो मैंने पाया, माई एल्डर ब्रदर ब्लैंकेट ऑन मी, कि मेरे बड़े भाई का जो कंबल है वो मेरे ऊपर उड़ाया हुआ है। एडेड टू मी माइन, मेरे ऊपर उड़ाया हुआ है। ईयरली एट डाउन, और सवेरे उषा काल में, ही हैड लेफ्ट फॉर फील्ड, और वो कहाँ पर चले गए हैं, खेतों के लिए प्रस्थान कर गए हैं। विदाउट ए ब्लैंकेट, बिना कंबल के वो खेतों के लिए प्रस्थान कर गए हैं। ऑन हिज शोल्डर, यानी उनके कंधों पर बिना कंबल ओढ़े वे खेतों के लिए प्रस्थान कर गए थे। हाँ, तो ही वुड हैव श्योरली सेड, तो वे अवश्य कहते, क्या कहते, वे यहाँ पर अवश्य कहते, वे अवश्य कहते, हिज यूजुअल मैनर, कि यह उनके चित परिचित ढंग से कहते कि उन्हें ठंड नहीं लगती। यूजुअल मैनर दैट ही डिड नॉट फील दी कोल्ड, उन्हें ठंड नहीं लगती। नाउ, अब, आई हैव ए कंफर्टेबल इनकम, लेकिन अब मेरी अच्छी आय है। येट, फिर भी, आई हैड नेवर अकर्ड टू मी टू थिंक ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लॉथ
फॉर माई एल्डर ब्रदर, फिर भी मैंने कभी मन में नहीं आया कि अपने बड़े भाई के लिए कोई गर्म कपड़ा मैं खरीदूं। ही इज स्टिल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, और वो अभी भी संतुष्ट और खुश हैं विथ दैट ओल्ड टेटर्ड ब्लैंकेट, और वे फटे पुराने कंबल के साथ में अभी भी संतुष्ट और खुश हैं। एंड दैट ही हैड कवर्ड मी विथ वंस, जिसके जिन्होंने एक बार मुझे ढका था, जिस कंबल से मुझे एक बार ढका था उसी कंबल के साथ में वो अभी भी संतुष्ट और खुश हैं। दी सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी विथ ऑल दी अदर थिंग्स, और यहाँ पर वे सारी चीज़ें हैं, वे अन्य सारी चीज़ें के साथ में वही कंबल मेरे सामने यहाँ पर था। आई शिवर्ड विथ दी कोल्ड, और मैंने ठंड और अपनी स्वयं की कृतज्ञता से यहाँ पर क्या होता कांप उठा। आई शिवर्ड विथ दी कोल्ड एंड माई ओन इनग्रेटिट्यूड, यानी मेरी जो खुद की क्या थी कृतज्ञता थी कि मैं कितना कृतज्ञ हूँ, मैं कितना यहाँ पर नॉट फीलिंग ग्रेटफुल फॉर समबॉडी, यानी किसी के लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखना, तो वो कहलाती है इनग्रेटिट्यूड। तो वो उसके लिए क्या कपा दिया था, उसको ठंड ने भी कपा दिया था, उसकी कृतज्ञता ने भी उसको कपा दिया था। दी प्रोसेस ऑफ डिवीजन, और जो यहाँ पर बंटवारे की प्रक्रिया है फाइनली ओवर, समाप्त होती है। वाट एवर दी सेकेंड ब्रदर डिमांडेड, और जो यहाँ पर मझले भाई ने दूसरे भाई ने मांगा था, माई एल्डर ब्रदर एग्री टू इट विथ ए स्माइल, और अपनी मुस्कान के साथ बड़े भाई ने सब कुछ यहाँ पर मान लिया, सब कुछ सहमत हो गए। माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज टू वाई एंड शेयर ऑफ लैंड दैट वॉज गिवन टू मी, और मेरा यहाँ पर दूसरा भाई था, उसने जो जमीन मुझे दे दी गई थी उसे यहाँ पर खरीदने का प्रस्ताव रखा। ऑफर्ड 18, यानी 18,000 रुपये में खरीदने का उन्होंने प्रस्ताव रखा। इन द इवनिंग, शाम के समय, माई एल्डर ब्रदर टुक मी अलॉन्ग विथ हिम टू शो मी द पैडी फील्ड टू बी माइन, और यहाँ पर शाम को मेरे बड़े भाई हैं मुझे अपने साथ होने वाले जो धान के खेत हैं उनको, मैं उनका पीछे पीछे चलता हूँ, शांति से उनका क्या करता हूँ फॉलो करता हूँ, उनके पीछे चलता हूँ चुपचाप। वी मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, और हम क्या करते हैं एक मिनट से दूसरे मिनट जाते हैं, एवरीवेयर हर जगह हम जाते हैं। आई कुड फील द इंस्प्रिंट ऑफ हिज फीट, मैं उनके जो पैरों के निशान है वो महसूस करता था, कर सकता था। हिज पाम, उनकी हथेलियों की दुकान निशान महसूस कर सकता था। हिज फिंगर, उसकी उंगलियों, जो मेरे बड़े भाई की जो उंगलियां थी उनके निशान में महसूस कर सकता था। ऑन दी वॉसम ऑफ पैडी फील्ड, यानी धान के खेतों की छाती पर, स्पार्कल्ड दी पर्ल ऑफ माई एल्ड, यानी धान के खेतों की छाती पर मेरे बड़े भाई के पसीने की क्या थी मोती यहाँ पर चमक रहे थे। स्पार्कल्ड, स्पार्कल्ड मतलब क्या हो रहा था, यहाँ पर चमक रहे थे। पर्ल मतलब मोती, स्पार्कल्ड मतलब चमक रहे थे। तो मेरे बड़े भाई की पसीने के मोती यहाँ पर खेतों की छाती पर चमक रहे थे। ही वाज शोइंग मी द फील्ड, खेत दिखा रहे थे, एज ए फादर, पिता की तरह, वुड इंट्रोड्यूस ए स्ट्रेंजर टू फैमिली, अजनबी को क्या करता है अपने फैमिली मेंबर से, अपने परिवार के सदस्यों से परिचय करा रहा हो। इन द मॉर्निंग, और सवेरे, आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, मुझे कहाँ जाना था, भुवनेश्वर के लिए प्रस्थान करना था। आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर, और मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं अपने बड़े भाई से मिल सकूँ। बिफोर लीविंग फॉर दी बस स्टॉप, और बस को छूटने से पहले या बस स्टैंड रवाना होने से पहले, आई हैड हैंडेड ओवर दी सेम स्लिप ऑफ पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, और मैं यहाँ पर जो पर्ची थी मेरे पास में वही पर्ची अपनी भाभी को सौंपी थी, जिसमें मेरे हिस्से का ब्यौरा लिखा हुआ था, विच हैड दी डिटेल्स अबाउट माई शेयर, यानी मेरे हिस्से का जिसमें ब्यौरा लिखा हुआ था वही पर्ची मैं अपनी भाभी को देता हूँ। राइटिंग ऑन दी बैक साइड ऑफ दैट स्लिप, और उस पर्ची में पीछे की साइड में लिखता हूँ, यानी खाली स्थान पर पीछे की साइड में लिखता हूँ, आई हैड आस्क्ड, मैंने पूछा हर टू डिलीवर इट माई एल्डर ब्रदर, मैंने अपनी भाभी से पूछा कि यह मेरे बड़े भाई को दे देना। एंड स्टीलिथली स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हाउस आई हैड रिटर्न, और मैंने यहाँ पर लिखा था कि मैं जमीन का क्या करूँगा, आप ही मेरी जमीन है ब्रदर, भाई मैं जमीन का क्या करूँगा,
यू आर माई लैंड फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, तुम ही मेरी जमीन हो मेरे भाई, मैं जहाँ से क्या कर सकता हूँ हर चीज प्राप्त कर सकता हूँ, एवरीथिंग इन लाइफ यानी जीवन में हर चीज जहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ, हार्वेस्ट उपजा सकता हूँ यानी तुम ऐसी जमीन हो मेरी जिसमें मैं जीवन की हर चीज हर वस्तु पा सकता हूँ। आई नीड नथिंग सेविंग आई, और मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं चाहिए, मुझे सिवाय आपके कुछ भी यहाँ पर नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट दिस, इसे स्वीकार करो प्लीज कृपया। इफ यू डिनाई डेनी, अगर तुम अस्वीकार करते हो, आई सेल नेवर सो माई फेस, चेहरा है कभी वापस नहीं दिखाऊंगा। और बाबुली, तो ये नीचे लिखता है बाबुली, तो ये बाबुली उसके नाम था, खुद का नाम था बाबुली। तो दास वैन होर ने ये स्टोरी लिखी है। अब ऑथर की बात करते हैं, जितेंद्र नारायण दास हैं, इनका जन्म हुआ था अगस्त 3, 1953 में, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था, उड़ीसा में। ही राइट्स अंडर द पेसुडोनम्स यानी पेन नेम ऑफ दास वेनगुर, तो उनका नाम है जो उनका पेन नेम है यानी उनका जो नाम था दूसरा नाम, ही राइट्स अंडर द पेंस्यूडोनम पेन नेम, उनका जो छोटा नाम होता है एक तरीके से वो नाम था दास वेनगुर। एंड और ओरियन लिटरेचर में ये जो उड़ीसा की लिटरेचर होती है उसमें ये पॉपुलर नाम है। हिज मेजर कंट्रीब्यूशन हैड बीन इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड लिटरेचर, और उनका ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन है, ज़्यादातर जो सहभागिता है वो किसमें है, बच्चों के लिटरेचर में, बच्चों के साहित्य में उनकी सबसे ज़्यादा सहभागिता है। कंसिस्टिंग ऑफ फॉल्क टेल्स, जिसके अंदर क्या है, फॉल्क टेल्स यानी कि लोक नृत्य की कहानियाँ बताई गई हैं, लीजेंडरी स्टोरीज यहाँ पर बच्चों की बताई गई हैं। फॉर हिज कानापेन अनावाना गीता इन 1987, तो 1987 में जो उड़ीसा का साहित्य अकेडमी अवार्ड है उनको दिया गया है, किसके लिए, कानापेन अनावाना की जो गीता है उसके लिए इसको अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। अबाउट द टेस्ट की हम बात करें, द ट्राइब्यूट्स ऑफ इंडिया क्रम्बलिंग, तो ये यहाँ पर जो ट्राइब्यूट है, जो श्रद्धांजलि है, ये कहानी यहाँ पर वर्णन करती है कि किस तरीके से भारत में संयुक्त परिवार है, ज्वाइंट फैमिली है, वो क्या हो रही है, क्रम्बलिंग यानी खंड खंड हो रही है। बबुली यहाँ पर बताता है, बबुली दी मेन करेक्टर इन दी स्टोरी, स्टोरी के अंदर बबुली यहाँ पर मेन करेक्टर है। फील इमोशनली शॉक्ड व्हेन ही हियर अबाउट दी, वह यहाँ पर शॉक्ड महसूस करता है, इमोशनली भावनात्मक रूप से वो बहुत ज़्यादा दुख महसूस करता है जब वो सुनता है अबाउट दी डिस्प्यूट ऑफ हियर फैमिली, जब वह अपनी परिवार की लड़ाई के बारे में सुनता है। एंड दी कंसिक्वेंट पार्टीशन, और जो बंटवारे के बारे में जब वो सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा दुखी होता है।